राजधानी शिमला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में शुक्रवार को एनसीसी कैडेट्स द्वारा पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने विद्यालय परिसर की साफ सफाई की। पुनीत सागर अभियान के तहत एनसीसी की कैडेट्स ने सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। अधिक जानकारी देते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार सूद ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान भी इन कैडेट्स द्वारा शुरू किया गया। अभियान के दौरान स्कूल परिसर की साफ सफाई की गई है। उन्होंने बताया कि एनसीसी द्वारा यह पुनीत सागर अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। इस अभियान का मकसद प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना, जिससे कि स्वच्छता बनी रहे है। इसके साथ ही इस अभियान के तहत प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाँ, मैं आज बताना चाहूँगा आपको कि ये नेशनल हेडक्वार्टर जो एनसीसी का कोर ग्रुप है, उनके आदेशानुसार आज पूरे भारतवर्ष के अंदर ये साप्ताहिक जो है पुनीत सागर अभियान के नाम से यह कार्यक्रम चल रहा है। और इस पुनीत सागर अभियान के तहत जो हमारे एनसीसी कैडेट है इस विद्यालय परिसर में, उसको स्वच्छ रखने के लिए यह अभियान चलाया गया है। और आज इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के जो हमारे विद्यालय की एनसीसी यूनिट है और इनके जो एएनओ है मैडम तृप्ता जी, इनके सहयोग से आज विद्यालय परिसर को जो है वो पूरा साफ करवाया गया। जहां लग रहा था हमें कि इस पोर्शन पे जो है वो कुछ कूड़ा है या प्लास्टिक है, तो क्योंकि ऑलरेडी हमारा हिमाचल तो प्लास्टिक फ्री है, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक का प्रयोग होता नहीं है। और जो हमारा ये पुनीत सागर अभियान है, इसके तहत भी हम जो है कूड़ा करकट या जो विद्यालय के अंदर जो आपके कागज पड़े रहते हैं या प्लास्टिक पड़ा हुआ है, तो उसको आज ये मुहिम चलाया गया कि पूरे विद्यालय परिसर को जो है साफ करवाया जाए। और इसी कड़ी में आज छात्राओं ने हमारे जो एएनओ है एनसीसी की तृप्ता मैडम, उनके सहयोग से आज पूरे विद्यालय परिसर को जो है साफ करवाया गया है। तो इसके लिए मैं अपनी एनसीसी यूनिट को बधाई भी देना चाहूंगा इन छात्राओं का, कि इनका एक अहम रोल जो है इस विद्यालय के अंदर रहता है। चाहे कोई भी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या खेलकूद का कोई कार्यक्रम हो, तो इनकी अहम भूमिका रहती है। और इस भूमिका को निभाते हुए हमारे विद्यालय का जो अनुशासन और जो अन्य तरह की कुछ एक ऐसी गतिविधियां हैं उसमें ये बढ़ चढ़ कर भाग भी लेती हैं और अनुशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। और विद्यालय को स्वच्छ बनाने में भी, जिस तरह आज आप देख भी रहे हैं कि पूरे विद्यालय कैंपस को आज सुबह से ये सफाई अभियान में लगी हुई थी और आज इन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया है, तो मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगा। न केवल आज के लिए बल्कि इन छात्राओं से तो मैं ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि एक ऐसी सेवा योजना से जुड़ी हुई हैं कि हमेशा अपने प्रदेश को, अपने प्रांगण को, अपने विद्यालय को या अपने जो जहाँ पर ये रहती हैं वहाँ के परिसर को हमेशा लोगों को प्रेरित भी करें और स्वयं भी इस तरह के अभियान जो है करती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।